तो देखिएगा आज के इस ट्यूटोरियल में आपके लिए एक ट्रेंडिंग सा पैटर्न लेके आई हुई हूँ। सामने आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है सुंदर सा लेडीज़ कार्डिगन है हमारा। ये कार्डिगन हमने जो है एक्सेल साइज़ का बनाया हुआ है। यहाँ पे एक पार्ट में हमने जो है फ्रंट में 80 और एक पार्ट में 80 स्टिच डाले हुए हैं। बटन पट्टी में हमने दो तरीके का पैटर्न डाला हुआ है, एक तो हमारा सीधा सीधा और दूसरा जो है हमारा बॉर्डर डाला हुआ है। यहाँ पर टोटल बटन पट्टी में हमने 10 से 12 फंदे डाले हैं दोनों तरफ से। बाकी हमारा पैटर्न है जो मेन पैटर्न है हमारा वो यहाँ पर हमारा 21 स्टिचेस का जाएगा। साथ में सेंटर में हमने इस तरीके से इसका डिज़ाइन डाला हुआ है 4 फंदों में। आप चाहें तो बीच में गैप रख सकते हैं 2 फंदों का, 4 फंदों का, सिंपल या इस तरीके का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो बैक पार्ट में हमने इसमें 150 स्टिचेस डाले हुए हैं। तो आगे मैंने आपको पैटर्न बताया है जो मेन पैटर्न है हमारा 21 स्टिचेस का, और साथ में ही बता दिया कि इस तरीके से आप ये डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिएगा डिज़ाइन का सैंपल हम यहाँ पे बना रहे हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 21 + 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस लिए हैं ताकि साइड साइड पे मेरा डिज़ाइन जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाए। तो रो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 21 स्टिचेस का पैटर्न है, मेन पैटर्न जो हमारे प्रोजेक्ट में है वो बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो एस स्टिच है उसे हम सीधा बनाएंगे। रो फर्स्ट है हमारी, राइट साइड है, धागा अपनी ओर करके अब हमने यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। अब सेंटर के 11 फंदों को हमने एक सीधा एक उल्टा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा एक उल्टा, ये 2 हो गए हमारे, फिर एक सीधा एक उल्टा, 4 फंदे हो गए, फिर दोबारा से एक सीधा एक उल्टा, 6 फंदे हो गए, फिर एक सीधा एक उल्टा, 8 फंदे हो गए, एक सीधा एक उल्टा, ये 10, और लास्ट में एक फंदा हमारा सीधा जाएगा, ये हमारे 11 फंदे हो गए। अब धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे 5 फंदे हमने उल्टे बनाने, 1, 2, 3, 4 और 5, और लास्ट का एस स्टिच हम सीधा बना के अपनी रो फर्स्ट को कंप्लीट कर देंगे। रो सेकंड रॉन्ग साइड में जाएंगे, एस स्टिच को उतार देंगे, इसके बाद 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, धागा अपनी ओर करेंगे। अब 11 फंदों को एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे, इस तरीके से उल्टा सीधा, ये हमारे 2 फंदे हो गए, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, ये 4 फंदे हो गए, एक उल्टा और एक सीधा, ये हमारे 6 फंदे हो गए, एक उल्टा और एक सीधा, 8, एक उल्टा एक सीधा, 10 और एक उल्टा बना के ये 11 फंदे हमने बना लिए। धागा पीछे की ओर करेंगे और 5 फंदे, 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे सीधे एज स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे और ये रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब थर्ड रो है हमारी राइट साइड से, सेम जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है उसी तरीके से बना के यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एज स्टिच उतारने के बाद 5 फंदे हमारे जो है उल्टे जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर धागा पीछे की ओर करके एक फंदा हमारा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे। अब 5 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे बनेंगे और एस स्टिच को सीधा बना के रो थर्ड हमारी राइट साइड से कंप्लीट हो जाएगी। अब रो फोर्थ हमारी रॉन्ग साइड में एस स्टिच उतारेंगे, जिस तरीके से रो सेकंड बनाई थी, यानी कि जो फंदा आपको जैसा दिखेगा उसे वैसे ही बना के रॉन्ग साइड रो फोर्थ को कम्प्लीट कर देंगे। तो देखिएगा हमारी रो फोर्थ जो है रॉन्ग साइड से वो भी कंप्लीट हो चुकी है।
अब रो फिफ्थ में आ चुके हैं, एज स्टिच आप उतारेंगे। अब इस रो में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार, धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, इस तरीके से हम जो है इनका फ्रंट से दो का एक कर देंगे। इसके बाद जाली डालेंगे, फिर अगेन यहाँ पे उल्टा और सीधे का दो का एक कर देंगे, दोबारा से जाली डालेंगे, एक उल्टा और एक सीधे का दो का एक कर देंगे। इस तरीके से तीन बारी हमने दो फंदों का एक किया, उल्टे सीधे का, जाली डाली, फिर उल्टे सीधे फंदे का दो का एक किया, जाली डाली। अब यहाँ पे ये जो हमने दो का एक किया, इसकी ये जाली पड़ गई, इसकी दो के एक की ये जाली पड़ गई, और जो यहाँ पे दो का एक किया था ये वाला फंदा, अब हम धागा अपनी ओर करके यहाँ पे इस तरीके से इसे उठाएंगे, सिलाई पे लेके इसे उल्टा बनाएंगे। तो जो फंदे हमने यहाँ पे घटाए थे साथ में हमने बढ़ाए भी, अब ये वाला फंदा हम उल्टा ही बनाएंगे। अब जो यहाँ पे दो का एक हम करेंगे दोबारा से, उसका फंदा हम पहले से ही यहाँ पे लेके इस तरीके से उल्टा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे इसे इस तरीके से टर्न करके एक सीधा और एक उल्टे का दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, इसे टर्न करेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, इस तरीके से दो का एक करेंगे। इसके बाद धागा अपनी ओर लाके यहाँ पे चार फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बना के अपनी रो फिफ्थ राइट साइड को कंप्लीट कर देंगे। रॉन्ग साइड हमारी जो है रो सिक्स है, एज स्टिच को उतारेंगे, धागा पीछे करके चार फंदे हमने सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार, धागा अपनी ओर करेंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, दोबारा से यहाँ पे एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे, फिर चार फंदे सीधे, और एज स्टिच को उल्टा बना के अपनी रो सिक्स को कंप्लीट कर देंगे। टर्न हो जाएंगे, रो सेवन में आ चुके हैं अपनी राइट साइड, एज स्टिच को उतार के धागा अपनी ओर करके यहाँ पे आप तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो का एक कर देंगे, इसके बाद जाली डालेंगे, फिर दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर करके यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, फंदा उठाएंगे, जैसे लास्ट टाइम भी उठाया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे फंदा उठाएंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा उठा के इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे इसे टर्न करके दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे और दो का एक करेंगे, फिर तीन फंदे हम उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन, एक फंदा सीधा, टर्न हो जाएंगे, रो एट रॉन्ग साइड में आ चुके हैं, एज स्टिच उतारने के बाद धागा पीछे की ओर करके तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं, एक दो तीन, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन चार और पांच फंदे हमने सीधे बनाने हैं, धागा अपनी ओर करके एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे की ओर करके तीन फंदे सीधे जाएंगे और एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। रो नाइन्थ अपनी राइट साइड में आ चुके हैं, एज स्टिच को उतार देंगे, धागा अपनी ओर करके दो फंदों को उल्टा बनाएंगे, एक दो, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, फिर
दो का एक करेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे, इस तरीके से दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर करके इस तरीके पे यहाँ पे फंदा उठाएंगे एक, फिर इसके बाद पांच फंदे हम उल्टे बना लेंगे। इसके बाद दोबारा से यहाँ से फंदा उठा लेंगे इस तरीके से और इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके इस तरीके से स्टिच को टर्न करके दो का एक कर देंगे, जाली डालेंगे, दो का एक कर देंगे, जाली डालेंगे, दो का एक कर देंगे, धागा अपनी ओर करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एस स्टिच को सीधा बनाएंगे, रो टेंथ अपनी रॉन्ग साइड में जाएंगे, एस स्टिच को उतारेंगे, धागा पीछे की ओर करके यहाँ पे दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर लेके पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे की ओर करके सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, धागा अपनी ओर करके पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे की ओर करके दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब हम अपनी रो जो है यहाँ पे अलेवेंथ पे आ चुके हैं, राइट साइड एस स्टिच को उतार देंगे, धागा अपनी ओर करके एक स्टिच उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दो का एक कर देंगे, जाली डालेंगे, फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, फिर यहाँ पे धागा अपनी ओर करके इस तरीके से फंदा उठा लेंगे और इसे उल्टा बना लेंगे, फिर सात फंदे हम सेंटर के उल्टे बना लेंगे, इसके बाद दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा उठा लेंगे और इसे भी उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक कर देंगे इस तरीके से, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एच स्टिच को हम सीधा बनाएंगे, रो ट्वेल्थ रॉन्ग साइड से एच स्टिच को उतारने के बाद एक स्टिच सीधा, फिर फाइव स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे, नाइन स्टिचेस सीधे, फाइव स्टिचेस अगेन सीधे, एक स्टिच हमारा यहाँ पे सीधा और एच स्टिच उल्टा बना के अपनी रो ट्वेल्थ को कंप्लीट कर देंगे। अपनी रो थर्टीन हम राइट साइड पे आ चुके हैं, तो अब देखिएगा क्या करेंगे, एच स्टिच को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बनाया, फिर यहाँ पे इस तरीके से फंदा उठा के इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इसे टर्न करेंगे, यहाँ पे ये फंदा सीधा और जाली वाला दो का एक कर देंगे इस तरीके से, जाली डालेंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से दो का एक कर देंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को और ये फंदे को दो का एक कर देंगे, धागा अपनी ओर करके एक दो तीन चार पाँच छः और सात फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे ये उल्टा और ये सीधा फंदा इस तरीके से दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, ये दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर करके यहाँ पे इस तरीके से फंदा उठाएंगे और इसे उल्टा बनाएंगे, एक और फंदा उल्टा बना के एस स्टिच को सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड रो 14 पे हैं, एस स्टिच उतार देंगे, धागा पीछे की ओर करके दो फंदे अपने हमने सीधे बनाने हैं, धागा अपनी ओर करेंगे, एक दो तीन चार और पांच फंदे यहाँ पे हमारे उल्टे जाएंगे, फिर सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः
सात धागा अपनी ओर करके पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, दो फंदे हमारे यहाँ पे सीधे और एक फंदा उल्टा जाएगा। रो 15 राइट साइड पे आ चुके हैं। एज स्टिच को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से एक फंदा उठाएंगे और इसे भी उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, दो का एक कर देंगे, जाली डालेंगे, दो का एक कर देंगे, फिर जाली डालेंगे, इस तरीके से टर्न करके दो का एक कर देंगे। अब धागा अपनी ओर करके पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे करेंगे, दो का एक कर देंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर करके यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे, इस तरीके से इसे उल्टा बनाएंगे, इसके बाद दो और फंदों को उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच को सीधा बना देंगे। रो 16 रॉन्ग साइड पे जाएंगे, एज स्टिच को उतारेंगे, धागा पीछे की ओर करके तीन फंदे यहाँ पे हमारे सीधे जाएंगे, फिर इसके बाद पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, फिर यहाँ पे पांच फंदे हमारे सीधे, एक दो तीन चार पांच, फिर पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। रो 17 राइट साइड पे आएंगे, एज स्टिच को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा उठाएंगे, इसे भी उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इस तरीके से टर्न करके स्टिच को दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, इसे टर्न करेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, इसे टर्न करेंगे, दो का एक करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, इस तरीके से दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर लाके यहाँ पे इस तरीके से स्टिच उठा के इसे उल्टा बनाएंगे, दो तीन चार, और इस स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। तो 18 रॉन्ग साइड पे आए हैं, एज स्टिच को उतारेंगे, धागा पीछे करके एक दो तीन चार स्टिचेस हमारे यहाँ पे सीधे जाएंगे, फिर पांच स्टिचेस उल्टे, एक दो तीन चार पांच, तीन स्टिचेस हमारे यहाँ पे सीधे जाएंगे, धागा अपनी ओर करके पांच स्टिचेस हमारे उल्टे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर हम यहाँ पे चार स्टिचेस जो हैं वो सीधे बनाएंगे और एज स्टिच को उल्टा बना के रो 18th को कंप्लीट करेंगे। रो 19th में आ चुके हैं, राइट साइड है हमारी, एज स्टिच को उतारेंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार, यहाँ पे इस तरीके से स्टिच उठाएंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे की ओर करके इस स्टिच को टर्न करेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक कर लेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक कर लेंगे, फिर यहाँ पे एक स्टिच उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर करके यहाँ पे इस तरीके से एक स्टिच उठा लेंगे और इसे उल्टा बनाएंगे, फिर बाकी के फोर स्टिचेस भी हम उल्टे बना लेंगे, एज स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। तो रो 19 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रो 20 जो कि लास्ट रो है हमारे पैटर्न की, एज स्टिच को उतारने के बाद 5 स्टिचेस जो है हमने यहाँ पे
सीधे बना लेने हैं, धागा अपनी ओर करेंगे। इसके बाद 11 स्टिचेस हमने उल्टे बनाने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। फिर 5 स्टिचेस हमारे यहाँ पे सीधे जाएंगे और एस स्टिच को उल्टा बना के हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होता है। फिर दोबारा से हमने रो फर्स्ट से अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो डिज़ाइन का लुक मैं आपको बता दूं, बैक साइड से कुछ इस तरीके का आएगा और फ्रंट से आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न जो है इस तरीके का बनके तैयार होगा। अब दोबारा से फर्स्ट रो आपने रिपीट करनी है। जब आप इस पैटर्न को बार बार दोहराते हुए जाएंगे तो ये देखिएगा हमारा कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट बनके तैयार होगा। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।